गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको उर्दू की क्लास में सबक नंबर 4 पढ़ाएंगे। सबक नंबर 4 में ये जीम है, ये चे है, ये हे है और ये खा। बच्चों अलिफ बेते तो तुम सबको आती ही होगी, तो इसलिए इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको अल्फाजों को पहचानते हुए। जीम से क्या आता है हमारा? जीम से जूते होते हैं, जीम से जहाज़ भी होता है। चे से चरखा, चे से चम्मच। हा से हौद यानी कुआं जो होता है हौस, और हा से हलवाई। खा से खरबूजा, खा से खरगोश। खा पढ़ते हैं बेटा खा, बहुत से बच्चे खा कह देते हैं, खरगोश खरबूजा, तो ये चीज़ नहीं होती। खा आपको मौलवी साहब भी पढ़ाते होंगे कि खास है खरबूजा, खास है खरगोश, ठीक है। इन अल्फाजों की आप पहचान करो और ये सब जो हैं ये किन किन आवाज़ों से शुरू होते हैं उसको भी आप देखो। और इसमें से आप जैसे जा से जूता है या जहाज है, अपनी कॉपी के ऊपर जो काम करोगे पहली शुरुआत इससे करोगे कि जा से एक चीज़ बना दो, इसमें से जूते बना दो या जहाज़ बना दो, चा से चरखा बना दो या चमचा बना दो, कुछ भी बना दो, एक बनाओ इसके अंदर से। पहला पेज आपका कॉपी का ये चीज़ होगी। फिर आपको ये चीज़ रीडिंग करनी है आपको। ये क्या है? ये है आपका ज, जे अली ज़बर जा, जे अली ज़बर जा, नून साकिन जान, जे अली ज़बर जा, पे अली ज़बर पा, नून साकिन जा पा न जापान। जीब, जे ये प, या हमेशा ई की आवाज़ निकालता है, जा को या से मिलाया जी और पा पूरा पढ़ा जाएगा जीब। जा ता जीत, जीब। चाट, चाबी। चपाती, चीन, चीनी, चैन। हाजी, हिना, हयात, खान। बाजा, बाजी, बाजे। आज, ताज, नाच, बीच। और ये क्या है? ये बीज है, ये बीच। और ये पी पेच, ठीक है ना? इसको आपको पढ़ना है। नाना, ना ना आना, बाना जाना, नाना जान जापान जाना, बाबा जान चीन आना, खान चीन जाना, ठीक है। अभी आ गया आपका दूसरा पेज। ये होते हैं आपके सवाल जवाब। तो आप इसको तो पहले सवाल को हो इन हुरूफ को लिखवाइए। तो आप यहाँ पर खुशखत लिखेंगे, जीम को सारा जीम यहाँ लिखोगे, यहाँ कितनी बार जीम लिखोगे आपको, और याद भी करना है लिखना भी है। फिर इसके बाद आ गया इन लफ्ज़ों को लिखवाइए, इन्हें भी लिखवाइए। फिर ये पूरे पूरे लफ्ज़ हैं, ठीक है। ताज, जीप, चाबी, नाच, हाजी, ये आपको पूरे पूरे लिखने हैं। अच्छा, अब ये है तीसरा सवाल है, इन लफ्ज़ों की मदद से लफ्ज़ बनाइए, यानी कि ये लफ्ज़ आपको दे रखे हैं बग़ैर नुक्तों के, आप इनसे नुक्ते लगाकर कोई भी लफ्ज़ बना सकते हैं। जैसे कि इसको आप बना सकते हो, इसको क्या क्या बना सकते हैं हम? ना, ये ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको ना जबर ना चार सेकंड नाच भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको खान कर सकते हैं, ये खान भी कर सकते हैं और जान भी कर सकते हैं। अगर हमने खान करा तो हमारे ऊपर नुक्ता आएगा और जान करा तो हमारे नीचे नुक्ता आएगा। इसको खान कर दो, इसको जान कर दो, ठीक है। अच्छा, अब आपका है ये, इसको आप चाचा भी कर सकते हो, ये जो है चाचा कर सकते हो। इसको जो आप नुक्ते लगा के कुछ भी वर्ड बना सकते हो वो बना देना चाह रहा हूँ। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए हुए हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। ज, य, प, जा। देखिए बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है आपका, नीचे दिए हुए जब हम कोई हुरूफ बनाते हैं तो हमें खुले खुले अल्फाज देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जा को हम
आधा जा भी लिख सकते हैं। ये रहा, आधा जा लिख दिया। और या को हम इसको या को आधा या इसमें मिला दिया, आधा या ये रहा, ठीक है ना। फिर ये आपका पा है पूरा। जो आखिर का लफ्ज़ होता है वो कभी भी कटता नहीं है, उसको आधा नहीं लिख सकते, जो तो हम उसको पूरा ही लिखते हैं, जा या और पा जी। जो आखिर का लफ्ज़ होता है हमेशा याद रखना, वो पूरा लिखा जाता है। बाकी शुरू के कोई भी अल्फाज बनाना हो तो उसे आधा आधा काटना होता है। जैसे ये है पा, पा हम यहाँ पे लिखेंगे छोटा पा, आधा का आधा पा, ठीक है ना। फिर ये है आपका या, तो इसमें या जोड़ देंगे, ये या जोड़ दिया आधा या, पे, ठीक है ना। अब चे है, चे है आखिर का लफ्ज़, तो ये क्या आएगा, ये पूरा आएगा, पूरा पेच, क्या बन गया पेच, ठीक है ना। इस तरीके से आप, मैं आपको फ़ोटो डाल दूँगी, आप पूरा पूरा इसको अपने आप बना के लिखोगे। मैंने दो बता दिए और तीन आप ये तीनों आप खुद करना, ये वाला, ये और ये तीन आप खुद करोगे। फिर है पाँच, पर क्वेश्चन नंबर पाँच, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग करके, यहाँ पर हमने मिला के लिख दिए, अब हमें अलग करना भी आना चाहिए। अलग में वो ये वाली चीज़ दे देंगे हमको, तो हम उसको अलग करके लिखेंगे। जैसे इसमें दिया उन्होंने चाट, अब चाट में कौन कौन से अल्फाज आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, तो इन्होंने तीन खाने दिए हमें, यहाँ पे लिख देंगे हम चे पूरा, ठीक है। फिर लिखेंगे अलीफ, फिर लिखेंगे पूरा टे चाट। इसी तरीके से आप हाजी को करो, हाजी में कितने आ रहे हैं, हे अलीफ जीम, ये चार हो रहे हैं, तो इन्होंने चार खाने दे रखे हैं, एक दो तीन चार। अभी हो गया जीना, जा या नून अलीफ, ये भी चार हैं अल्फाज, इनमें भी चार खाने दे रखे हैं, एक दो तीन चार। इस तरीके से आप पूरा करके इसको, मैंने एक करके बताया आपको, आप इसे पूरा करके लिखना। ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन, पाँचवा, ये भी आपको करना है, अलग अलग पेजों पर अलग अलग करना। बस ये आपके पांच क्वेश्चन हैं, लेसन नंबर चार आपका ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको इसके पेजेस भी डाल देती हूँ, उसमें से आप काम करना। और बच्चों, जो बात समझ में ना आए उसे मुझसे दोबारा ऐसे मत पूछा करो कि मैडम ये बता दीजिए, आप वीडियो फिर से देखा करो, फिर से देखो, बार बार देखो, आपको तब खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब मैं आपको काम दे रही हूँ, ये सारा काम अपनी अपनी कॉपियों पे कर कर लेना, उर्दू की कॉपियों पर। आप अपनी उर्दू की कॉपियाँ अलग बना लीजिए, मैंने बोला था, और डेट वाइज जब भी आपको काम दूँ वो डेट वाइज आप काम करके रख लीजिए, मुझे भी दीजिए, व्हाट्सएप भी करिए, और अपनी कॉपियाँ भी रखिए। साल के आखिर में हम आपसे कॉपियाँ जमा करेंगे,